उदयपुर के खांजीपीर इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दो पक्षों में कहासुनी और झगड़े के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहीं घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने अभी फिलहाल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि दोनों पक्षों में कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते पूर्व में भी दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हुए थे। यह घटना उदयपुर के खांजीपीर इलाके के नूरी चौक के रहने वाले अमान शेख के साथ हुई, जिस पर पड़ोस में रहने वाले फरहान और फिरोज़ और उसके अन्य साथियों ने हमला किया, जिसके बाद अमान को चोटें आई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए। पुलिस ने जानकारी दी है कि अभी तक आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।